हेलो हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए है ना तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 14 और फिफ्टीन की तैयारी को तो पिछला जो ऑब्जेक्टिव क्लास था यूट्यूब के ऊपर और साथ ही साथ ऐप के ऊपर भी लाइव चलता है ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है कि ये जो अभी लाइव क्लास है ये क्रैश कोर्स के सभी बच्चों के लिए ऐप के ऊपर भी लाइव चल रहा है जिसका कंटेंट इसका पी डी के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और यूट्यूब के ऊपर भी चल, चल रहा है ताकि सारे बच्चों को इसका फायदा मिल सके तो जो चैप्टर थर्टीन है यहां तक हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रखे हैं यूट्यूब के ऊपर चैप्टर वन से थर्टीन तक टॉपिक वाइज अब हम आज चैप्टर फोर्टीन का कुछ बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है वो करेंगे फोर्टीन के बारे में कुछ बात हम लोग पहले भी किए थे शायद लास्ट क्लास में और फिर फिफ्टीन को कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में फिर किसी दिन एक दिन लाइव आएंगे जिसमें हम लोग चैप्टर सिक्सटीन कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारा चैप्टर वन से चैप्टर सिक्सटीन तक का जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है टॉपिक वाइज वो पूरा हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक शुरू करेंगे क्वेश्चन बैंक की तैयारी करेंगे और आप सबको पता है कि चौदह पंद्रह तारीख से महाकुंभ बायोलॉजी का महाकुंभ भी शुरू होने जा रहा है जिसमें हम लोग कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं उन चार्ट को देखने वाले हैं जिससे अधिकांश बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी फटाफट क्रैश कोर्स बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए चल रहा है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी के साथ आज शुरू करेंगे अपने चैप्टर 14 के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना ठीक है तो चैप्टर 14 में इकोसिस्टम में जो पहले ऑब्जेक्टिव था कुछ ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने कर लिया है और बाकी का जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है वो अभी हम लोग करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो इको में जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसका टॉपिक है ये सब ऑब्जेक्टिव हम लोग पिछले ऑब्जेक्टिव में कर लिए हैं इको टर्म किसने दिया था फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी नाम बताइए इको जो शब्द है ये जो पद है ये किसने प्रतिपादित किया था तो आपको पता होना चाहिए एजी जी ने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है याद रखिएगा दूसरा कि जो इकोलॉजी शब्द है जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था भैया ये किनके द्वारा कॉइन किया गया था तो आपको पता होना चाहिए कि ये इकोलॉजी शब्द जो कॉइन किया गया था वो हेकल के द्वारा किया दिया गया था किनके द्वारा हेकल के द्वारा किया गया था और तीसरा जो क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिक के जनक किन्हें कहा जाता है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो याद रखिएगा रामदेव मिश्रा को कहा जाता है तो ये सब हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कर लिए थे शायद हम लोगों का अगर पिछला अगर हम देखें तो हम लोग आ, एनर्जी फ्लो वगैरह का सब ऑब्जेक्टिव कर लिए थे इसके बाद आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे तो आज जो ऑब्जेक्टिव होगा ना चैप्टर 14 का इकोसिस्टम का वो मिसलेनियस होगा मिसलेनियस मतलब सारे टॉपिक का मिला हुआ ऑब्जेक्टिव होगा इसके पहले हम लोग टॉपिक वाइज किए थे चैप्टर फोर्टीन का ऑब्जेक्टिव आज जो करेंगे वो सारे टॉपिक का मिला हुआ ऑब्जेक्टिव करेंगे मिसलेनियस तो जो भी बचा खुचा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 14 का है वो अभी के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे उसके बाद हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे शुरू से अंत तक कंप्लीट करेंगे चैप्टर 15 से भी खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है चलिए

सीधा याद कर लीजिए चीज को कि यहां पर ऊर्जा का ट्रांसफर जो होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में कंज्यूमर से डीकंपोज इस तरह से टॉप कंज्यूमर में जो जाता है है ना उत्पादक सनलाइट को क्या करता है प्रोड्यूसर क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फूड बनाता है बायोमास का प्रोडक्शन करता है और वो बायोमास धीरे-धीरे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में मूव करता हुआ जाता 10 हम लोग थे, में का, है और तो अगला क्वेश्चन है लॉटिक इकोसिस्टम रेफर्स टू अब देखिए अभी जो भी ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे ना जो भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे चैप्टर 14 का ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहता है और कुछ नई नई बातें इसमें हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं या उनको डिस्कशन में नहीं रहता है तो उन चीज को डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो दो तरह का इकोसिस्टम है एक लॉटिक इकोसिस्टम होता है ध्यान से सुनिएगा अभी हम एक इंपोर्टेंट थ्योरी दे रहे हैं आपको प्लीज कंसंट्रेट होकर के जो रेगुलर कोर्स के बच्चे हैं वो भी सुनेंगे और क्रैश कोर्स को तो सुनना ही है ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं दो तरह का इको होता है एक लॉटिक नया शब्द है आपके लिए लॉटिक और एक होता है लेंटिक क्या होता है

प्रवाह है मतलब उसमें करंट है पानी चल रहा है तो बहते हुए पानी का जो ए टू। अब तालाब जो होता है उसका पानी स्थिर होता है तालाब का पानी क्या होता है स्थिर होता है तो जब तालाब का पानी स्थिर होता है तो वहां का जो इकोसिस्टम हो कैसा हो जाएगा वो लेंटिक हो जाएगा याद रखिएगा लेंटिक हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन फूड चेन प्रोड्यूसर कॉन्स्टिट्यूट दी किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर कहाँ होता है प्रोड्यूसर का स्थान कौन सा है तो अगर आप इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल पिरामिड जब हम पढ़ते हैं तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे जो रहता है वो कौन रहता है प्रोड्यूसर रहता है उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर रहता है तो यहां पर प्रोड्यूसर जो है इस प्रोड्यूसर को इस उत्पादक को हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते कहते हैं हैं क्या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा इसीलिए उसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का दर्जा देते हैं यानी एक खाद्य श्रृंखला में एक खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर जो है वो कहां रहता है तो आपको पता होना चाहिए वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रहता है कहा रहता है पहला ट्रॉफिक लेवल में रहता है चलिए क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्या पूछ रहा है? इकोसिस्टम में एक दिशा में अपना प्रवाह दिखाता है कौन कार्बन नाइट्रोजन पोटेशियम या एनर्जी फ्री एनर्जी किसी भी पारितंत्र में इनमें से कौन है जो अपना जो फ्लो दिखाता है वो एक दिशा में दिखाता है एकल दिशीय अपना पैसेज दिखाता है कौन है कौन तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है यानी सन से आएगा प्रोड्यूसर में प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी से इस तरह से तो वो उल्टा नहीं होता यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का होता है ना तो फ्री एनर्जी हमेशा क्या होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है उसका याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द इकोलॉजिकल पिरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन ए स्टेबल इकोसिस्टम इज दैट ऑफ यानी एक स्थिर पारितंत्र में निम्न में से कौन है जिसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन है एनर्जी का पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड? इनमें से कौन सा पिरामिड है जो उल्टा नहीं हो सकता है लाख बार चिल्लाए हैं क्लास में जल्दी बताइए इसका आंसर बहुत सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को भी हम करेंगे प्लीज ध्यान से जुड़े रहें ठीक है जल्दी से बताइए किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है जल्दी बताइए तो किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है निम्नलिखित में से तो आपको पता होना चाहिए कि, कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो पिरामिड है एनर्जी का जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड है वो उल्टा नहीं हो सकता याद रखिएगा तो एनर्जी का

स्पिंडल होता है जल्दी बताइए या फिर वेरिएबल होता है जल्दी बताइए जल्दी बताइए ट्री के अंदर जो पिरामिड ऑफ नंबर है ना वो आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेड होता है क्या होता है इन्वर्टेड क्यों क्योंकि ट्री में एकमात्र प्रोड्यूसर है है ना ट्री के ऊपर रहने वाला जो भी कीट कीड़ा मकोड़ा है वो सब सब हो सकता है सबसे अधिक हो लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो तो एक के है मात्र पौधा वही वो वृक्ष है एक ही वृक्ष है और उसके ऊपर कई सारे जीव जंतु रह रहे हैं तो प्रोड्यूसर वहां एक ही है ना तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता होता है इन्वर्टेड होता है क्या होता है इन्वर्टेड होता है याद रखिएगा चलिए

पौधों के अंदर जो कार्बन का सोर्स है वो कहां से आता है कार्बन का स्रोत पौधों में कौन है कौन है जल्दी बताइए फॉसिल फ्यूल है जीवाश्म ईंधन है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट है रॉक का या इनमें से सभी है जल्दी बताइए जल्दी बताइए पौधों के अंदर कार्बन का सोर्स कौन है पौधों के अंदर कार्बन का स्रोत कौन है जल्दी से बताइएगा बहुत अच्छे चलिए वेरी गुड बहुत बच्चों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है हाँ तो क्या होता है भैया याद रखिएगा एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं एटमोस्फेयर से ही ना पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जी जिस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है फूड बनाता है बायोमास प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो द फॉस्फोरस साइकिल इज इज यूनिक इन दैट इट इज इंटायरली यानी फॉस्फोरस चक्र पूर्णतः किस मामले में अनोखा है किस मामले में यूनिक है जल्दी बताइए, है, है, सही जवाब क्या है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ाए थे ना गैसियस और सेडिमेंट्री दो तरह का न्यूट्रिय साइकिल इसलिए आपको आंसर पता होना चाहिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज

मान लो कोई बंजर जगह है वहां कुछ भी नहीं है और वहां सबसे पहला जीव आया पाइनियर कम्युनिटी पाइनियर स्पीसीज याद है उससे कई सारे जीवों का विकास होता गया होता गया होता गया डिफरेंट सीरियल कम्युनिटी आया डिफरेंट सीरियल स्पीसीज आया जिसको सीयर कहते हैं और फाइनली वो स्टेबल कम्युनिटी बना जिसका नाम है क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट है ना पढ़े थे तो यहाँ पर क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेस में होता क्या है Ecological succession में सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी बिल्कुल जीवों के जीवों के कई सारे समुदाय आते हैं कई सारे समुदाय आते हैं एक एक करके कहा बंजर क्षेत्र में ये बिल्कुल सही बात है अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑन द बेर जब होता है के साथ, तो पर जो जीव है ना सबसे पहले पैनियर कम्युनिटी स्पीसीज आएगा फिर धीरे सारे सीरियल बायोटिक कम्युनिटी आएंगे कई सारे जीवों के समुदाय आएंगे और फाइनली फॉरेस्ट बनेगा स्टेबल कम्युनिटी बनेगा जो कि इन्वॉर्मेंट के साथ इक्विबीरियम में रहेगा अगला क्वेश्चन प्लांट सक्सेशन अकरिंग इन ए सैंडी एरिया इज नॉन एज इसका आंसर हम आप सबसे जानना चाहते हैं हम चैट बॉक्स देखने वाले हैं देखते हैं आप लोग इसका जवाब क्या देते हैं जल्दी बताइए बहुत सारे बच्चों का आंसर ए आ रहा है किसी का डी आ रहा है किसी का सी आ रहा है तो हम क्या माने सी आ रहा है सी आ रहा है मतलब तो राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई ओहो हो, हो, हो। गलत कर दिया तुम लोग रे बेटा हम बोले थे कि रॉक में जब सक्सेशन हो याद रखिएगा रॉक रॉक बंजर रॉक अगर रॉक बंजर कौन है बेयर एरिया अगर रॉक है तो वहां जीरो सीयर होगा लेकिन सैंड के लिए एक स्पेशल वर्ड है जिसका नाम क्या है पेसमोसियर क्या नाम है पेसेमो सीयर याद रखिएगा तो अगर सैंड में बलुआही जगह में अगर सक्सेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं पेसेमो सीयर कहते हैं याद रखिएगा तो ये इंपोर्टेंट है बी नंबर सही जवाब होगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है ए कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन इन ए हैबिटेट इज ऐसा समुदाय जो कि अनुक्रम से अनुक्रम में सबसे पहले आता है ओ बोल रहा है किसी भी किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेसन में जो सबसे पहला आने वाला जीव है उसको क्या नाम दिया जाता है तो हम जानते हैं उसको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, नहीं सीरियल तो बीच में जो आता है उसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी नहीं भैया नहीं पाइनियर कम्युनिटी या पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं पाइनियर यानी सबसे पहला जो शुरुआत करने वाला है उसे हम पाइनियर स्पीसीज कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी इन ए प्लांट सक्सेशन इज नॉन एज पौधों के अनुक्रम में सबसे अंत में आने वाले समुदाय को कहते हैं यानी किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्लांट है चलो ठीक है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे लास्ट में आने वाला जो समुदाय है उसे क्या कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं जो सबसे पहले आया है, वो पाइनियर जो सबसे लास्ट में है, वो क्लाइमैक्स बीच में सारा सीरियल ठीक है तो क्या कहलाएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी बी नंबर हमारा सही जवाब है अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राइमरी सक्सेशन इज डेवलप्ड ऑन द कम्युनिटीज ऑन याद रखो यार सीधा सीधा दो तरह का इकोलॉजिकल सक्सेशन है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्राइमरी में क्या होता है कि मान लिया जाए वो बंजर जगह है और ऐसा बंजर जगह है जिसमें कोई जीव है ही नहीं ना पहले था ना अब है कुछ भी जीव नहीं है अब उसमें धीरे धीरे इकोलॉजिकल सक्सेशन होकर के जंगल बनना है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहले जीव हुआ करता था लेकिन अब नहीं है अब सारे जीव को काट दिया गया या मार दिया गया हटा दिया गया या मान लिया कोई ऐसा जंगल था जिसमें पूरा सब जंगल उंगल काट के खत्म कर दिया गया तो अब वो जगह जो है वो बंजर है लेकिन उसके पहले कभी ना कभी वहां जीव था तो वहां पर जो अब सक्सेशन शुरू होगा वो फास्ट होगा और वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है क्या कहलाता है सेकेंडरी वहां पर जल्दी फिर से आएंगे तो प्राइमरी सक्सेशन में कौन आएगा भैया प्राइमरी सक्सेशन में कौन आएगा क्लियर फॉरेस्ट एरिया ना फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड नहीं पॉन्ड फील्ड आफ्टर ए ड्राई सीजन नहीं भैया न्यूली एक्सपोज हैबिटेट डी नंबर सही जवाब होगा ना ही कोई जंगल काटा गया अगर जंगल काटा गया ना तो पहले जीव था वहां पर फिर से नया जीव आएगा तो सेकेंडरी सक्सेशन हो गया फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड यानी मान लिया जाए कि अभी एक ऐसा खेत है जिसमें अभी हम फसल लगाए थे कुछ दिन पहले फसल काट उठ दिए हैं और फिर से उसमें नया जंगल बनना है तो याद रखिएगा उसमें पहले जीव था वो भी सेकेंडरी सक्सेशन है पौंड फील्ड आफ्टर ए ड्राई सीजन यानी कि मान लिया जाए कि एक तालाब था उसमें पानी भरा हुआ था कई सारे जीव जंतु तो उसमें रह रहे थे लेकिन एक सूखा मौसम आया जिसमें तालाब का पानी पूरा सूख गया और फिर से नया सीजन में पानी वो भरा तो आपके वो कैसा सक्सेशन कहलाएगा वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा क्यों क्योंकि वहाँ पहले जीव था तो जो न्यूली एक्सपोज हैबिटेट है ऐसा कोई स्थान ऐसा कोई प्राकृतिक वास यहाँ जहाँ पर कभी कभी कोई जीव था ही नहीं वहाँ पर जो जीवों का विकास हो क्या कह कहलाएगा प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा याद रखिएगा तो इस तरह से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव किए हैं अब पिछला लेक्चर यानी कि अभी चल रहा है डेट थर्टी एट तो डेट थर्टी सेवन पर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर फोर्टीन का किए थे वो और आज जो अभी किए हैं ये इस दोनों को मिला दीजिएगा चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी हो गई है इतना अगर आप कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला है आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे तो यहां पर हमारा चैप्टर फोर्टीन की बात हो जाती है समाप्त अब शुरू करेंगे चैप्टर यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जैव विविधता था, उसके संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है आइए शुरू करते हैं रेडी हैं आप लोग अगर हां तो जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कि आप सब तैयार हैं जल्दी से बताइए कि आप सब तैयार हैं तो आज के क्लास में अब शुरू होगा चैप्टर 15 का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 14 तक का कर लिए हैं तो अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर फिफ्टीन को ऑब्जेक्टिव चैप्टर फोर्टीन का कंप्लीट करने में आधा उस दिन कर लिए थे और आधा अब करेंगे ठीक है ऐप पर जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं उनको अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर होती हो तो अगर आ, आप YouTube पर भी आकर आसानी से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए शुरू किया जाए एक बच्चा पूछ रहा सर सजेशन कब मिलेगा हर दिन तो मिल रहा है youtube पर आकर के नहीं सर वही भी भी, भी आई इंपोर्टेंट वाला दीजिए जो एकदम तुरंत से परीक्षा में आ जाए ठीक है सपना आएगा जिस दिन तो उस दिन देंगे भगवान आएंगे तो बताएंगे हमको देखो परीक्षा में यही वाला है 70 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला 20 को दो नंबर नंबरिया है 6 को पांच नंबरिया है बच्चा लोग को दे दो अब बोल दो यही सजेशन है पढ़ो नहीं यार चलें तो सबसे पहला ये सबसे पहले हम बात कर रहे थे चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैव विविधता तथा उसके संरक्षण शुरू करें तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो क्या है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यानी विश्व जैव संरक्षण दिवस मनाया जाता है किस तिथि पर किस डेट पर है ना तो आपको पता होना चाहिए कोई दिमाग लगाए बिना अट्ठाईस जुलाई अट्ठाईस जुलाई को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है याद रखिएगा चले आगे आवाज वगैरह सब ठीक है ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब यहां से जितना टॉपिक चलेगा वो मिसलेनियस टॉपिक रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर जानते हो आप सबको बताते हैं महाकुंभ में एक चार्ट आप लोग को पढ़ाएंगे हम कि कौन सा नेशनल पार्क हमारे देश में कहां पर है कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है और कौन सा, कौन सा, नेशनल पार्क या कौन सा किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है है ना तो इसीलिए देखिए कीजिए आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट है और यह हो सकता है एग्जाम में भी पूछ दे लेकिन एक पूरा चार्ट ही पक्षियों दे तो। तो के लिए, पक, लिए, लिए क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स के लिए राइनोसोरस के लिए या फिर टाइगर्स के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए कि कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है टाइगर के लिए याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है राइनो वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट राइनो राइनो काजीरंगा का नाम सुने काजीरंगा वही राइनो है ठीक है तो काजीरंगा को ही राइनो के नाम से कॉमनली बुलाते हैं क्योंकि राइनोसोरस के लिए लिए है ना गेंडा, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कहां है अवस्थित तो असम में कहा है असम में याद रखिएगा असम में स्थित है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यानी नेशनल पार्क में नेशनल पार्क में किसको संरक्षण दिया जाता है किसको संरक्षण दिया जाता है जल्दी बताइए राष्ट्रीय उद्यान में किसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है फ्लोरा फ्लोरा मतलब हुआ पौधा सब फौना फौना सब मतलब हुआ जंतु सब या इकोसिस्टम किसी भी पारितंत्र को दिया जाता है ये दोनों फ्लोरा तथा फौना दोनों को संरक्षण दिया जाता है याद रखिएगा कि कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया है देखिए नेशनल पार्क है तो 100 परसेंट मान के चलिए वहां पर पौधा तथा जंतु दोनों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाता है यानी डी नंबर सही जवाब है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है फ्लोरा एंड फोना इन किसी किसी किताब में अगर मैंने ये पूछ दिया आपको कि या फिर एग्जाम में ही पूछ दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है

तो बढ़ते हैं आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन निम्नलिखित में से कौन है जो एक्स सेतु संरक्षण का उदाहरण है एक्स सेतु संरक्षण आपको पता होना चाहिए कि बाह्यो स्थाने यानी उसके अपने प्राकृतिक वास से हटा कर कहीं और ले जाकर कर अगर हम जीवों को संरक्षण दे रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्स सेतु संरक्षण तो एक्स सेतु संरक्षण में कौन आता है ग्रुप्स आता है नेशनल पार्क आता है सीड बैंक आता है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं ठीक है या ऑल ऑफ दीज आता है कौन है जल्दी बताइए तो पवित्र उपवन आता है या राष्ट्रीय उद्यान आता है जीव बैंक जीन बैंक आता है सीड बैंक आता है या इसमें से सभी जल्दी बताइए तो एक्स सी संरक्षण का जो उदाहरण है ना वो कौन है सीड बैंक है कौन है सीड बैंक सीड बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन सीड बैंक ये एक्स सी संरक्षण का उदाहरण है वैसे भी आपको चार्ट लिखवाए थे आपको पता ही होगा आपको नोट्स खोल के देखिएगा आपको वहां मिल जाएगा विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसी निम्नलिखित में से कौन है जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है यानी अब वो खतरा में है संकट ग्रस्त है अब वो विलुप्त होने ही वाला है कुछ ही संख्या उसका बचा हुआ है कौन है वो तो कसकूटा कसकूटा अमरवेल को बोलते हैं अमरवेल प्लांट का स्पीसीस है लेंटाना लेंटाना भी क्या है ना कि फुटूस बोलते हैं कॉमनली उसको इधर उधर मतलब झाड़ी ताड़ी में देखोगे एक अलग अलग मतलब लाल पीला टाइप का एक फूल खिलता है उसको

अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन है जिसके प्रजाति में सबसे अधिक सबसे अधिक अनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है किसमें वीट में गेहूं में ठीक है दाल में पल्सेस में टी में चाय में मैंगो में, में तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में मैंगो में का जो है ना अपरम्पार प्रजाति है क्योंकि आम का राजा फलों का राजा क्यों कहते हैं उसको क्योंकि आम एक ऐसा फल है ना हमारे देश का क्योंकि जिसके अंदर एक मतलब बहुत तरह क्या है हमारे पास क्या है? मेंगो के है। उसको क्या कहते है? सबसे अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड इज पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है तो आपको पता होना चाहिए चौतीस कितना है चौतीस पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कितना है 34 कई बार पूछा जाता है 34 है अगर पूछ दे इंडिया में कितना है तो क्या जवाब देंगे जरा हम देखें चैटबॉक्स बॉक्स बताइए तो इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जल्दी बताइए तो इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम बताइए <coughs> किताब के अनुसार <laughs> <laughs> कोई छे बोल रहा है कोई नौ बोल रहा है कोई तीन बोल रहा है चलो ठीक है तीन हां चार भी लिखा हुआ है कहीं दो भी रहता है लिखा हुआ चलिए बढ़ते हैं आगे पूछ रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है सात जुलाई को बीस दिसंबर को पांच जून को या पंद्रह मार्च को कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ ऑफ जून एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन रेड डेटा बुक इज इंक्लूड इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ मतलब रेड डेटा बुक में हम निम्नलिखित में से किसका सूची बनाते हैं वैसे जंतुओं का जो खतरे में है वैसे जंतुओं का जो जो है, वाला है आ, वो आपात स्थिति में है या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको पता होना चाहिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका हम लिस्ट बनाते हैं डेटा बुक में अगला क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी बड़ा खतरनाक ऑब्जेक्टिव है कई बार पूछता है बिहार बोर्ड तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है लायन के लिए हां शेर के लिए किसके लिए शेर के लिए सिंह के लिए प्रसिद्ध है कौन गिर नेशनल पार्क चलें आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुलक <laughs> कौन है भाई हुलक गिब्बन हुलक गिब्बन जो है वो पाया जाता है कहां पर तो आपको पता होना चाहिए हम डायरेक्ट बताते हैं गिर नेशनल पार्क में हजारीबाग नेशनल पार्क में कॉर्बेट नेशनल पार्क में या काजीरंगा बर्ड, तो बर्ड, 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 काजी बर्ड सेंचुरी में तो याद रखिएगा बर्ड 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 काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है कौन गिब्बन ठीक या, है याद रखिएगा डी नंबर सही जवाब है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज एंटीलोप एंटीलोप सॉरी बोल रहे हैं व्हाट इज एंटीलोप से एंटी काप्रा ठीक है कौन है जल्दी बताइए तो ये जो है एक ऐसा स्पीसीज है अच्छा वो काला हिरण का नाम सुना है ना वही है तो वो कैसा स्पीसीज है तो भैया हमारे हिसाब से वो कैसा स्पीसीज है अब क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब कि अब बहुत गंभीर रूप से वो क्या है संकटग्रस्त है ऐसा स्पीसीज है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता में जो इन सेतु संरक्षण का उदाहरण नहीं है निम्नलिखित में से कौन है वो बोटेनिकल गार्डन बायोस्फेयर रिजर्व स्केर्ड ग्रुप या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बायोस्फेर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्केर्ड ग्रुप ये तीनों जो है

टोटल to यानी जैव विविधता उल्लेखित करता है किसको जैव विविधता स्टडी ही तीन थी लेवल पर करते हैं है ना, जेनेटिक लेवल स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल करते हैं कि नहीं करते हैं जल्दी बताइए तो सही जवाब हो गया इससे समझ में आ रहा है कि नहीं तो पहला टॉपिक ही हम लोग यही पढ़ते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तीनों लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं ऑल ऑफ दीज हमारा सही जवाब है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द वेरिएशन ऑफ जीन विद इन ए स्पीशीज इज कॉल्ड यानी किसी भी एक प्रजाति के अंदर किसी भी एक प्रजाति के अंदर अगर उसके जीन के भीतर अंतर पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं तो जब आम आम एक प्रजाति है मैंगीफेरा इंडिका आम एक प्रजाति है लेकिन उस एक प्रजाति के अंदर कई सारे उसके वेराइटी हैं यानी उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जा रहा है है ना उसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं अगर एक ही प्रजाति के जीन के अंदर अंतर है उसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ यानी निम्नलिखित में से कौन है जो प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण कौन कौन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यानी कि हैबिटेट लॉस यानी कोई जीव या कोई जंतु ऐसे जगह पर रह रहा है जो उसका अपना प्राकृतिक वास है अगर हम वही नष्ट कर देंगे जंगल काट देंगे तो वो कहाँ जाएगा एक समय है कि वो धीरे धीरे उसकी संख्या घटने लगेगी वो मर जाएगा वो निकल जाएगा अपने जंगल से अपने प्राकृतिक वास से बाहर तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा उसकी प्रजाति धीरे धीरे घटेगी और वो विलुप्त होता ही चला जाएगा तो यानी ये सही बात है बिल्कुल ओवर एक्सप्लाइटेशन अगर हम किसी भी प्रजाति का अति दोहन करते हैं तो उससे भी क्या होता है प्रजाति विलुप्त तो हो जाता है प्रदूषण भी मान सकते हो प्रदूषण से भी होता है हालांकि यहां पर कुछ और भी दिया जा सकता था एल एन एस पीसीवर्सन दे देता दे दे या को एक्सटेंशन दे देता दे तो सही जवाब होता है. कोई बात नहीं पॉल्यूशन से भी होता है तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही जवाब होगा यानी ये सभी है जो कारण है किसका जीवों के विलुप्त तो होने का अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग ए हॉट स्पॉट इज हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं देखो हॉट स्पॉट वैसे जगह को बोलते हैं जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है और वहां पर एक से एक मतलब विशेष तरह की प्रजातियां पाई जाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है जैसे कि इंडेमिक स्पीशीज वहां पाया जाता है है ना तो उसको कह, क्या कहते हैं हम लोग उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं और वो थ्रेटेंड स्पीशीज भी वहां पर रहता है जो कि मतलब वहां पर जो है ऐसी प्रजाति है जो कहीं और नहीं है सिर्फ वहीं अगर उस पर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो विलुप्त हो जाएगा वैसे जगह को हम बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं तो कौन है रीजन रिच इन एक्सोटिक स्पीसीज नहीं भैया रीजन ऑफ द फॉरेस्ट हैविंग द नहीं नहीं, नहीं 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 ए रीजन रिच इन इंडेमिक है बिल्कुल सही बात है इंडेमिक स्पीसीज आ गया यानी ये हमारा सही जवाब है या लोकलाइज एरिया इन टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं सी नंबर हमारा सही जवाब है क्या है सी नंबर हमारा सही जवाब है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है

सीको भी है डोडो भी है ये सारा जो है वो सारा जो है ये रिसेंट विलुप्त हुआ है अभी विलुप्त हुआ है ठीक है कुछ साल पहले तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस याद है एरोप्लेन में से अगर हम एक नट खोल लिए तो एक नट खोलने से कुछ नहीं होगा लेकिन नट खोलते गए खोलते गए खोलते गए तो क्या होगा

लंग ऑफ द प्लेनेट यानी इस पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है इस पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट को ना ना ईस्टर्न हिमालय नहीं जी वैली ना जी वैली बच गया फॉरेस्ट फॉरेस्ट तो रन, रेन जो है इसे हम इस पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है चलिए नेक्स्ट अगला हम क्या करते हैं भैया इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी protection is provided to अभी ऐसा प्रश्न एक किए थे नेशनल पार्क में किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है तो हम फ्लोरा फोना वहां दोनों बोले थे तो यहाँ पर हम सिर्फ ओनली ओनली कहेंगे क्या कहेंगे में इसमें क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम को प्रोटेक्शन देते हैं अगला क्वेश्चन था फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन इंडिया वाज भारत में स्थापित करने वाला भारत में बनने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था कॉर्बेट ठीक है बंदीपुर कान्हा या परियार कौन था जल्दी बताइए ये सब के बारे में पढ़ेंगे महाकुंभ में कान्हा के में बताएंगे सब किसके लिए प्रसिद्ध है कहां है सब बता देंगे ठीक है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ठीक है अगला विच पेयर ऑफ हॉटस्पॉट इज फाउंड इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा

ये जो ये जो बायोस्फेयर का संरक्षण करना है ये बायोस्फेयर रिजर्व जो बायोस्फेयर रिजर्व का जो प्रोजेक्ट था उसको कब इंडिया में इनिशिएट किया गया था कब शुरू किया गया था तो डेट याद रखिएगा सीधा सीधा उन्नीस में कब किया गया था नाइनटीन में ठीक है चलिए अल्फा डायवर्सिटी इज रिलेटेड टू अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है अल्फा डाइवर्सिटी इन रेंज ऑफ कम्युनिटी बिटवीन कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी ऑल ऑफ दीज आपको पता होना चाहिए अल्फा डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं जब किसी एक कम्युनिटी के अंदर कई सारे जीव रहते हैं उसके अंदर के डायवर्सिटी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी अगला क्वेश्चन है वन ऑफ़ द द कंजर्वेशन मेथड फॉर जर्ड स्पीसीज इज अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है बहुत खतरे में है विलुप्त होने वाला है उसको बचाने का कोई एक उपाय बताइए जो बेस्ट उपाय है नेशनल पार्क क्रायो प्रिजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फेर रिजर्व अब देखिए खतरे में है वो अगर उसको अपने प्राकृतिक वास में छोड़ देंगे तो वहां तो वो विलुप्त हो जाएगा तो उसको हम वहां से जल्दी से ला करके प्राकृतिक वास से हटा करके उसके अपने कृत्रिम वास बना करके उसको अच्छे से रखेंगे और मतलब उसको अपने ने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालना ऑफ साइड कंजर्वेशन देना पड़ेगा तो यहाँ पर ये देखिए नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्पेयर रिजर्व ये तीनों जो है वो इन सीतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है ऑन साइट

एजी टेंसले वार्मिंग किसने थे तो याद करिए आपको पता चाहिए ना तो गार्डनर ना तो टेंसले ना तो वार्मिंग बच गए कौन एडवर्ड विलसन इन्होंने शब्द को प्रसिद्ध बनाया और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया अभी खत्म चलिए ऑल द बेस्ट तैयारी करते रहिए अब एक चैप्टर बचा है मेरे दोस्त एक चैप्टर बचा है जिसका नाम क्या है मेंटल इशू वो भी कर लेंगे कल परसों आकर के और कंप्लीट कर लेंगे अपने बोर्ड 2024 के दो मार्क्स पांच मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के टॉपिक वाइज तैयारी को संपूर्ण रूप से फिर रिवीजन चलेगा महाकुंभ में उसके पहले बीच में हम लोग क्वेश्चन बैंक करने का प्रैक्टिस करेंगे तैयार हैं आप लोग चलिए वेरी गुड मिलते हैं मिलते हैं जो बच्चे नहीं किए हैं जो बच्चे अगर नहीं क्लास किए हैं या बाद में आके जुड़े हैं तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा क्योंकि ये सब जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये बहुमूल्य है आपको करना चाहिए कर ही लेना है किसी भी तरह से इस तरह से चैप्टर वन से चैप्टर सिक्सटीन तक एक तरह से टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं अगर इतना आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा ठीक है बहुत फायदा होगा अ नाइस डे बाय सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गुड नाइट